तो मैम स्टार्ट करते हैं आपके आंसर्स को। सबसे पहले तो देखो मैंने आपको मार्क्स भी दिए हैं, तो 40.5 आपके मार्क्स आए हैं। इसमें टोटल हमने रखा था ऐसा कि जो 60 वर्ड्स वाले हैं वो 4 नंबर के थे, 120 वर्ड्स वाले वो 8 नंबर के थे, और 150 वाले जो थे वो 10 नंबर के। इसमें आपको मैंने थोड़ी सी स्ट्रिक्ट मार्किंग की है, आंसर्स आपने अच्छे लिखे हैं, बुरे आंसर्स नहीं है, ठीक है? और पहली बार लिखे हैं आपने ये, आपका पहले भी आपने आंसर राइटिंग की है। सर यूपीएससी के लिए की है लास्ट ईयर, तो ओके उससे तो एकदम डिफरेंट ही है ये वाला। 60 वर्ड्स और 150 वर्ड्स तो फर्स्ट टाइम लिखा लाइक। थोड़ा सा हैंडराइटिंग के ऊपर ध्यान देना, क्योंकि जल्दी में हम थोड़े से वर्ड जो है वो ऐसे लिख देते हैं, वो समझ नहीं आते। जैसा मुझे ये समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या लिखा था। सेकंड में आपको ये याद रखना है, आपने पॉइंट्स तो थोड़े कनेक्ट करने की कोशिश की है, लेकिन रिटन कॉन्स्टिट्यूशन को एग्जैक्ट डिफाइन करना बहुत ज़रूरी है कि सारे के सारे जो कानून है वो एक ही किताब में होंगे। जो जो कानून बनाया वो एक असेंबली, एक बॉडी ने बनाया होगा, एक ऑर्गेनाइजेशन ने बनाया होगा, वो फ्लेक्सिबल और फेडरल होगा। इस तरह से आपको पॉइंट्स जो है वो मेंशन करने हैं, जो मैंने उसके बाद मॉडल आंसर में प्रोवाइड भी कर दिया। देन उसके बाद यहाँ पे वर्ड लिमिट को लेकर मुझे थोड़ा सा चैलेंज लगा है, आप अपने 60 वर्ड्स में इसको अपने माइंड में रख सकते हैं। देन उसके बाद सेकेंड जो क्वेश्चन है आपका डिफाइन फेडरलिज्म, कोशिश करना आप सभी ये ध्यान रखना कि जो पॉलिटी के जितने भी क्वेश्चंस आते हैं ना, या तो उनको आप एग्जैक्ट लिखो डेफिनेशन पर कि क्या बोल रहा है, और अगर उसमें आर्टिकल मेंशन कर सकते हो तो करो। एग्जाम्पल साथ में लिखना जरूरी है, जैसे सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव, साथ में आप इसका आर्टिकल भी लिख सकते हो, आर्टिकल 50। तो उससे क्या है ना कि आपको प्लस नंबर मिलेंगे, तब आपकी जो डेफिनेशन है वो ऑर्डनरी नहीं लगेगी। जैसा आपने आर्टिकल 1 यहाँ पर बताया है, ये अच्छा एग्जाम्पल था, तो आप सेपरेशन का भी साथ में बता सकते हो, क्योंकि वी आर टॉकिंग अबाउट फेडरलिज्म, तो ये आप अपने माइंड में रख सकते हैं। देन उसके बाद थर्ड क्वेश्चन था आपका सेलियंट फीचर्स ऑफ द चार्टर एक्ट 1833। अब यहाँ पर मैंने थोड़ा सा ट्विस्ट इसलिए डाला, ये क्वेश्चन इसलिए डाले थे ताकि हम याद कर रहे हैं उसको प्री के लिए भी और मेंस में भी लिख पा रहे हैं, ताकि हमें पता चले कि जो हमने याद किया उसको हम लिख भी पा रहे हैं या नहीं। तो ये जो चार्टर एक्ट ऑफ 1833 है, इंट्रोडक्शन में ये पॉइंट सही है कि सेंट हिलना एक्ट इसको कहते हैं, इट इज ऑल्सो नोन एज सेंट हिलना एक्ट, क्लियर है, चलेगा इतना। साथ में आप यहाँ पर गवर्नर देखो, आप थोड़ा सा उड़ा गए ऊपर को, आप तो आपको थोड़ा सा गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थोड़ा हैंडराइटिंग पे काम करना पड़ेगा, तो नेक्स्ट टाइम के लिए आप इसको अपने यस माइंड में रख सकते हैं। और दूसरा यहाँ पर आपने लिखा है कि जो आपका ये जो एक्ट था इसमें जो है वो आपका सिविल सर्विसेज का जो है वो इट क्रिएटेड ओपन कंपटीशन फॉर सिविल सर्विसेज, ये गलत लाइन है। 1853 में पहली बार जो है वो ऐसा कुछ कंसेप्ट आया, मतलब कंसेप्ट की बात यहाँ पर की थी बट लेकिन वो हुआ नहीं था, ओके ठीक है? सर। और पॉइंट्स आप डाल सकते हो, अवॉलिश स्लेवरी, ठीक है, इंग्लिश एज अ मीडियम ऑफ लैंग्वेज, ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश बना दी थी, तो ये पॉइंट्स आप अपने माइंड में रख सकते हैं, ठीक है? देन उसके बाद यहाँ पर ये लॉ कमीशन वाला है, तो लॉ कमीशन भी परमानेंट मेंबर नहीं बना था, ठीक है? तो ये भी अपने माइंड में रखना पॉइंट्स। तो एग्जैक्ट पॉइंट लिखने ज़्यादा बेटर रहेंगे, जब आप 4 नंबर में लिख रहे हो तो बिल्कुल टू द पॉइंट पॉइंट लिखो, और वही लिखो जो एग्जैक्टली मैंशन है। फोर्थ क्वेश्चन ये वाला अपर जो आपने इसका जो आपका स्टार्टिंग है वो अच्छी है, थोड़ा सा यहाँ पर आप मिस कर गए वो स्टेट्स के नाम ऐड करना, फॉर एग्जाम्पल लाइक निज़ाम, निज़ाम को ऐड कर देते चलता। यस सर। ये जो डॉक्टर आपका लॉर्ड डलहौजी है, आंसर में नंबर आपको और मिलते, लेकिन आपने सब्सिडरी अलायंस लिखा है यहाँ, ही इंट्रोड्यूस सब्सिडरी अलायंस इंट्रोड्यूस बाय द वेलेस्ली नॉट डलहौजी। यस सर। सिक्स्थ जो आपका यहाँ पर है ये अच्छा लिखा है, EIC नहीं लिखना, ईस्ट इंडिया कंपनी पूरा लिखना है, एब्रिवेशन पूरी होनी चाहिए, ये ध्यान रखना। वर्ड लिमिट का इसमें थोड़ा सा दिक्कत है, तो इसके फीचर्स भी आपको पूरे लिखने पड़ेंगे, जो आपका यहाँ पर है ना राइट एंड गुड गवर्नेंस एक्ट 1858। तो ठीक है, इंट्रोडक्शन सही थी इसकी, इंट्रोडक्शन में आपको दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन आपको एब्रिवेशन का ध्यान में रखना है, और इसमें थोड़ा सा एक आधी लाइन और बनानी है। जैसे डिसेंट्रलाइजेशन आप इसमें लिख सकते हो, जैसे आपने यहाँ पर लिखा ना ये कि EIC कंट्रोल क्रिएटेड एंड वो सब हट गया, ठीक है? उसके बाद यहाँ से एडमिनिस्ट्रेटिव जो आपका एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ, ये क्या लिखा है आपने, क्राउन बिगेन, तो ये एक तो ये रिपीट हो गया क्योंकि सेम एज इट इज ऊपर यहाँ पर भी था। देन उसके बाद आप यहाँ पर डिसेंट्रलाइजेशन लिख सकते हो, ठीक है? पोर्टफोलियो सिस्टम का लिख सकते हो कि जो वॉइस रॉय था उसने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, तो 1859 यस का वो भी सर। आ गया था, तो वो थोड़ी बहुत वो जो फैक्ट आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। देन उसके बाद सेवन्थ जो है वो आपका डिस्कस द सेलेंट फीचर ऑफ द चार्टर एक्ट 1813, ये अच्छा लिखा है आपने, बट लेकिन कम पॉइंट्स है इसमें, थोड़े से आपको ऐड करने पड़ेंगे, क्योंकि मुझे क्लियरली पता चल रहा है कि 60 वर्ड नहीं हो रहे हैं।
उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका राइट ए नोट ऑन द कॉन्स्टिट्यूट असेंबली. कॉन्स्टिट्यूट असेंबली, ओके, कॉन्स्टिट्यूट असेंबली वाज अ ग्रुप ऑफ पीपल, ठीक है, वो सिक्योर, ये क्या लिखा है आपने, वो वर रिस्पॉन्सिबल फॉर फ्रेमिंग द लेंथियस्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड. ठीक है, इंट्रोडक्शन अच्छी है. सेटअप अंडर कैबिनेट मिशन प्लान वो ऐड करना बाकी था, और थोड़े फीचर और भी बताते हैं कि पार्टली इलेक्टेड पार्टली नॉमिनेटेड कुछ और ऐसा हो जाता. आपने ये सही लिख, जब आपने यहाँ पे लिख दिया ना ऊपर की रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन, तो यहाँ पर फिर आपको ये ठीक है, मुझे ये अच्छा लगा है. आप एक चीज़ और बता सकते हैं मैम, यहाँ पर आप ये मत लिखो कि कॉन्स्टिट्यूट असेंबली टुक 2 ईयर्स 11 मंथ्स 18 डेज. आप इस चीज़ को लिखो ये कि कॉन्स्टिट्यूट असेंबली का टेन्योर कितना था, तो वो इतना था, 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन. ये लिख सकते हो यस सर. क्योंकि आप ऊपर ऑलरेडी मेंशन कर रहे हो रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन. नाराज मत होना, ठीक है, फॉर आंसर चेक, क्योंकि मैं ऐसे ही आंसर चेक करता हूँ. उसके बाद कांगड़ा स्टेट अच्छा लिखा है. कांगड़ा स्टेट के बारे में मैंने जानबूझ के दिया था ये, क्योंकि मुझे लगा कि ऐसे नॉर्मल क्वेश्चन भी पेपर में आने चाहिए, कि जब हम एक मतलब होता है ना कि एंशंट मेडिवल को मिक्स कर जो हम सोच रहे हैं कि कांगड़ा क्या है, क्योंकि हमने पढ़ा बहुत है एचपी को, तो ये एक बेसिक सा क्वेश्चन था और आपने अच्छा अटेम्प्ट किया इसको, तो एचपी के क्वेश्चन में मुझे कोई दिक्कत नहीं लगी. डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन गुड, अच्छा है, एग्जाम्पल ऐड करना चाहिए था ग्राम सभा का, यस सर. वो आप इसमें ऐड कर सकते हैं. देन उसके बाद 11th क्वेश्चन की अगर हम यहाँ पे बात करें, डिस्कस द फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिक्लाइन ऑफ द मुगल एम्पायर. पॉइंट्स गुड, अच्छा लिखा है मैम आंसर, बट मैंने इसको थोड़ा सा चेंज किया है. सोशल फैक्टर, इकोनॉमिक फैक्टर, पॉलिटिकल फैक्टर, एडमिनिस्ट्रेटिव फैक्टर, मिसलेनियस फैक्टर, ऐसे हो सकता है. यस सर. फिर आपको मैं एक चीज़ और इसमें सिखाता हूँ. जैसे आपने यहाँ पर लिखा, फॉर एग्जाम्पल, लाइक आपने ऐड कर दिया पॉलिटिकल फैक्टर. पॉलिटिकल फैक्टर में आपने ये बोला कि वीक रूलर्स, वीक एंड इनकैपेबल रूलर्स, सभी ध्यान से सुनना इस बात को. जब आप ये कह रहे हो ना वीक इनकैपेबल रूलर्स, आपकी ये हेडिंग बन गई. देन उसके बाद आप क्या करोगे यहाँ पे, जैसे आपने लिखा वीक इनकैपेबल रूलर्स, ठीक है, अब यहाँ पर आपको क्या करना है, जब ये लिख दिया ना आपने, तो आपको लिखना है फॉर एग्जाम्पल. फॉर एग्जाम्पल लिख दो कि फारूक सिया या मोहम्मद शाह रंगीला. मोहम्मद शाह रंगीला मस्त म्यूजिक में बिजी, उसको एडमिनिस्ट्रेशन से कोई फर्क नहीं पड़ता, तो आप ये पॉइंट लिख सकते हो. इनकैपेबल में आप फारूक सियार को डाल सकते हो, जहांदर शाह को डाल सकते हो, कि 1 साल के लिए आया चला गया, कुछ किया ही नहीं उसने, उसको पता ही नहीं चला चला गया है, तो फॉर एग्जाम्पल करके लिखना है. सिमिलर आप अगर एक्सटर्नल फैक्टर में लिख रहे हो, तो आप यहाँ पर फॉरन इन्वेजर लिख रहे हो, तो फॉरन इन्वेजन को भी आगे लिखना है कि फॉर एग्जाम्पल नादिर शाह इन्वेजन ऑफ 19 ऑफ 1739 इन बैटल ऑफ करनाल, अंडर बैटल ऑफ करनाल डिफीटेड मोहम्मद शाह रंगीला, एम्परर डिफीट कर दिया उसने, और नादिर शाह ने भारत में 60 दिन रूल किया है, 60 डेज. लेकिन उसके बाद एक अफवाह फैल गई कि नादिर शाह मर गया, और जब नादिर शाह को ये पता चला कि मेरे बारे में अफवाह फैलाई जा रही है कि मैं मर गया हूँ, तो उसने कहा लूट लो, और दिल्ली को इतना लूटा गया था कि जो आपके अवध, यहाँ के अवध के जो थे ना, शहादत खान वो गए थे नादिर शाह के पास कि सर रुक जाओ. फिर उन्होंने ट्रीटी साइन करवाई थी और दोबारा से मोहम्मद शाह रंगीला को जो है वो एम्परर बनाया था. क्लियर, बाकी पॉइंट्स अच्छे हैं इसमें, और मार्क्स भी आपको इसमें अच्छे मिले हैं, कंक्लूजन इसका बेहतर है. ठीक है, पॉइंट्स आपने ये तरीका भी सही है, लेकिन अगर आपको और एक्स्ट्रा नंबर लेने हैं, आपको ये 3.5 को 5 5.5 करना है, तो आपको इसको सोशल पॉलिटिकल इकोनॉमिक में जाना पड़ेगा. ट्वेल्थ ओके सर. क्वेश्चन, राइट ए नोट ऑन द राधा राम मोहन रॉय. ये प्री में भी था, मेंस में भी था, और मैम परफेक्ट लिखा है, बहुत अच्छा लिखा है, बट लेकिन थोड़ा सा स्पेस मैनेजमेंट का इशू है. आप इसको बट क्लाउड वाले उसमें डायग्राम में भी बना सकते हो इस तरह से, फिर इस तरह यस से जो सर. आपके पॉइंट्स है 4 इस तरह से आ जाने थे, एक इधर और एक इधर, तो ये भी अच्छा लगता. 13th क्वेश्चन, ये जो है अब आपका, ये भी आपने एंग्लो फ्रेंच स्ट्रगल अच्छा लिखा है, मतलब बहुत बड़ा टॉपिक था ये, लेकिन आपने कंसाइज अच्छा किया है इसको, और ये इसको भी आप जो बटरफ्लाई वाले उसमें बना सकते हो डायग्राम में, वो ज़्यादा बेहतर लगेगा. कंक्लूजन सही है, दस कर्नाटक वॉर स्टार्टेड विद ब्रिटिश कॉलोनियल रूल इन इंडिया. ठीक है, थोड़ा आप इसको और भी लिख सकते हो यहाँ से, कि आप ये बता दो कि ठीक है कर्नाटिक वॉर से क्या हुआ, ये इसका एंड बता दो कि फाइनल जो ट्रीटी ऑफ पेरिस हुई उसके बाद से जो है वो यहाँ पर जो फाइनल प्लेयर जो है ब्रिटिश बचे, और उसके बाद जो है वो फाइनली कंपनी रूल जो है वो भारत में शुरू हो जाता है टिल 1858 तक. ठीक है, यस सर.
नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है डिस्कस द सेलियंट फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अच्छा लिखा है मैम, थोड़ा सा ये सोर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को थोड़ा चेक कर लेना इसको आप यहाँ पर, क्योंकि एक तरह से पता है क्या है, जब हम ऐसा बात करते हैं ना कि पावर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, सोर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो कहीं ना कहीं पीपल आता है सबसे पहले माइंड में, तो उस चीज को हम यहाँ पर जो है वो माइंड रख सकते, माइंड में थोड़ा रख सकते हैं। इसको आप थोड़ा बाद में लिख सकते हो, लेंथिएस्ट को पहले लिखोगे चलेगा। अब मैं आपको यहाँ पर ना कंसाइज करने बताता हूँ पॉइंट्स, आपने किए भी है कंसाइज पॉइंट्स। जैसे आप यहाँ पर लिख रहे हो ना पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है, तो आप यहाँ पर लिखोगे सिंथेसिस ऑफ द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एंड जुडिशियल सुप्रीमेसी, ये हो गया। तो इसमें ये क्लियर हो जाता है कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है। और यहाँ पर आप पॉइंट ऐड कर सकते हो ड्यूअल एग्जीक्यूटिव का, कि सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन बट ड्यूअल एग्जीक्यूटिव, सिंगल यस सिटीजनशिप, सर। ठीक है। दूसरा कॉन्सेप्ट कैसे ऐड करना है, सिंगल सिटीजनशिप लेकिन ड्यूअल पॉलिटी है, फॉर एग्जांपल सेंट्रल स्टेट, तो इस तरह से कंबाइन करके आप इसको लिखोगे। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज का बहुत अच्छा लगा मुझे आपने ऐड किया। फंडामेंटल राइट्स को फंडामेंटल ड्यूटीज के साथ लिंक करो, कि फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज बोथ आर अवेलेबल, जिसमें एक जस्टिसेबल है और दूसरा नॉन जस्टिसेबल है। एमरजेंसी प्रोविजंस का अच्छा है, इंटीग्रेटेड एंड इंडिपेंडेंट जुडिशरी अच्छा, कोऑपरेटिव सोसाइटीज का ऐड कर सकते हो कि वो न्यूज़ में भी रहता है बहुत। ये सबसे अच्छा लिखा है आपने आंसर 1857 वाला, इकोनॉमिक फैक्टर, ठीक है, पॉलिसी, सोशल रीजंस, सारा अच्छा है इसमें लिखा पूरा क्लियर, ठीक है। तो ये पढ़ने में भी मजा आया, कंक्लूजन भी अच्छा है, और मुझे लगता है कि आपने जो है वो आई थिंक 250 और 150 के अकॉर्डिंग प्रैक्टिस की है, तो उसमें ज़्यादा परफेक्ट है। यस सर। हाँ, तो वो पता चल गया था मुझे, फिर मैं आपसे पूछने भी वाला था उसके बाद कि मैम यूपीएससी की आंसर राइटिंग की है,